कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। नमस्कार। परिच्छेद 14 अर्थात अध्याय 14 28 अक्टूबर 1882 इसके अंतर्गत पिछले प्रवचन में हमने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने ये जो प्रश्न किया कि मुझे आप क्या समाधि सिखा सकते हैं, तो उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, अर्थात जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात जो आदमी स्थित प्रज्ञ अवस्था ब्रह्म ज्ञान की अवस्था उस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लक्षण क्या है। एक्चुअली ये जो बात अर्जुन जो पूछ रहा है कि वह कैसे चलता है, वह कैसे बोलता है, एक तरह से अर्जुन का यह प्रश्न, उसमें जो बात छुपी हुई है कि कोई व्यक्ति अगर भगवत प्राप्ति कर लेता है या समाधि विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में ही रहता है, वो तो कोई किसी अलग दुनिया में चला गया ऐसा तो नहीं है। तो संसार में रहते हुए संसारी लोगों के साथ में उसका आचरण कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, खान पान कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, जिसे अंग्रेजी में एक तरह से कहा जाता है ए वे ऑफ लाइफ, तो कुछ उसी प्रकार का ये जो भक्त श्री रामकृष्ण देव से ये पूछ बैठा है कि क्या आप मुझे समाधि सिखा सकते हैं। और ब्रैकेट में हमने देखा कि वहाँ लिखा है सब हंसते हैं, अर्थात पिछले प्रवचन में वो हंसते हैं, इसका कारण जो उसके पीछे की भावना उसको लेकर हम लोगों ने चिंतन किया कि कुछ बातें ऐसी हैं कि वो बस उसके लक्षण बताए जा सकते हैं, उसके द्वारा अगर कोई सामने वाला कुछ ज्ञान प्राप्त करके साधन भजन के लिए कुछ प्रस्तुत हो जाए। यानी गीता में भी अर्जुन का यह जो प्रश्न है और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ मनुष्य के सब लक्षण वर्णन कर देता है, तो वैसे जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गया है वह व्यक्ति का वह वर्णन तो जरूर है, लेकिन हमारे जैसे आम इंसान के लिए वह साधन स्वरूप है, उसको इस प्रकार से ही हमको देखना है कि हमारे जीवन में क्या हम हमारी आज की वास्तविकता क्या है। तो आज की हमारी वास्तविकता अगर उसके लक्षण हम देखें तो ये समाधिमान पुरुष है जिसे भगवत प्राप्ति हो गई है, ऐसा जो पराभक्ति प्राप्त श्रेष्ठ भक्त होता है, तो उसमें और हमें तुलना और हमको समझना है कि वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ जो श्री रामकृष्ण वर्णन करते हुए पहले ही शब्द उनके जो वाक्य है, समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। कर्म छूट जाते हैं इसका क्या मतलब करना चाहिए, उससे हमारे जीवन से क्या ताल्लुक, अर्थात समाधिवान पुरुष। अब उदाहरण के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले या माँ शारदा का या स्वयं श्री रामकृष्ण देव का, तो क्या समाधि हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव के सब कर्म छूट गए, क्या वो खाना पीना स्नान करना ये जो दैनंदिन आम इंसान की जो ये जो कर्म है इसे कर्म ही कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य है। हर चीज के प्रति कर्म जो है
उस कर्म के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो जैसे मैंने कहा, क्या श्री राम कृष्ण देव खाना पीना, भक्त आ रहे हैं उनके साथ वार्तालाप हो रहा है, ये तो एक प्रकार के कर्म ही हो गए हैं। अगर हम माँ की तरफ, माँ शारदा की तरफ देखें, तो ठाकुर की तुलना में तो ऐसा दिखता है कि वह ठाकुर से भी ज़्यादा कर्मों में व्यस्त हैं। स्वामी जी के जीवन में भी हम वह देखते हैं, स्वयं ठाकुर ने लिख कर दिया कि नरेंद्र शिक्षे देने, नरेंद्र ज्ञान प्रदान करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा संसार को। उस वक्त तो स्वामी जी ने जवाब दे दिया था, ये सब मैं नहीं करने वाला। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी हड्डियां तक कर्म करेगी। तो ये जो बातें हैं, अर्थात कर्म समाधिवान पुरुष या सिद्ध पुरुष के लिए, या जिसे भगवत लाभ हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, वह व्यक्ति भी संसार में रहकर एक आम इंसान की तरह कर्म ही करता है। लेकिन उस कर्म के पीछे साधारण व्यक्ति में अहम कर्ता, अहम भोक्ता का भाव रहता है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, एजेंटशिप। उसके साथ साथ वह जो अहम बोध, आई एम स्वामी सुमित ने आनंद, आई एम ए मॉन्क ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर एट प्रेजेंट, आई एम एट वडोदरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन वडोदास शाखा केंद्र की तरफ से आयोजित वचनामृत का यह वर्ग बोलिए, डिस्कोर्स बोलिए, तो ये ले रहा हूँ। अर्थात यहाँ क्या है, मैं राजेंद्र, मेरा पूर्वाश्रम का नाम राजेंद्र, संन्यास के बाद मेरा नाम सुविज्ञानंद, मैं वडोदरा निवासी हूँ और यहाँ मैं वचनामृत का क्लास कर रहा हूँ। तो हर जगह क्या है, मैं और मैं वचनामृत का क्लास ले रहा हूँ। अर्थात क्लास कौन ले रहा है, मेरी भावना क्या है, मैं, अर्थात अहम कर्ता, मैं वचनामृत का क्लास ले रहा हूँ संडे टू संडे, और करने में मुझे आनंद भी मिलता है। तो या तो आनंद होता है, या तो ऐसा लगता है कि आज को मेरा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्थात कर्म है तो कर्म के साथ तीन बातें अक्सर जुड़ी होती हैं। 100% कर्म सक्सेसफुल हो गया, पार्शल सक्सेस और टोटल फेल्यूअर, यह सामाजिक या सार्वत्रिक सार्वजनिक नियम है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो कभी वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा कर्म बना करना है तो उसके पीछे भी वो इंटेंस फीलिंग होनी चाहिए, जिसको स्वामी जी की भाषा में बोलना है तो मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन हमारे कर्म में, बोलचाल में, हर चीज में एक परफेक्शन, निपुणता, एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी, इन दोनों का मेल। तो यहाँ ठाकुर पहले ये बोल देते हैं, समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव का कहने का अर्थ यह है, यह जो अहंकर्ता अहम भोक्ता की भूमिका में सामान्य मानुष, हमारे जैसा एक आम इंसान जिसको पकड़ कर चल रहा है, वह बात समाधिवान पुरुष में नहीं होती। उनका भाव यही रहता है कि मैं भगवान के हाथ का एक यंत्र स्वरूप हूँ और कर्ता कर्विता भगवान है। वचनामृत में भी आप देखेंगे श्री रामकृष्ण देव के जीवनी अगर आप पढ़ें तो वहाँ भी आप देख पाएंगे, समझेंगे कि हर बार ठाकुर जब भी एक कर्म की बात आती है तो लगभग क्या,
मैं माँ के हाथ का यंत्र हूँ। वो जो एक बंगाली गाना है उसकी जो लाइनें हैं, आमी जंत्र तुम्हें जंत्री, जेमनी चालाओ तेमनी चोली, जेमनी बोलाओ तेमनी बोली, जेमनी नाचाओ तेमनी नाची, सकोली तुम्हारी इच्छा। अर्थात वहाँ श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व में, पर्सनालिटी में, आचरण में कहीं भी मैं अहम बोध, अहम कर्ता, अहम भोक्ता का भाव ही नहीं है। खाना पीना हो, स्नान करना हो, जो भी है उसके पीछे एक ही, जैसे माँ करवा रही है वैसे कर रहा हूँ, जैसे बुलवा रही है वैसे बोल रहा हूँ, जैसे मुझे नचा रही है वैसे मैं नाच रहा हूँ। हिंदी में एक भजन जैसा गीत बचपन में मैंने सुना था, सबको नाच नचाता लेकिन नजर नहीं जो आता, ऐसा कौन है भगवान है। एक्चुअली हम सब लोग, सभी क्रिएशन, हम सब भगवान के हाथ ही एक तरह से कठपुतलियाँ हैं। तो यही बात यहाँ रामकृष्ण देव समझाते हुए ये कहते हैं, समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं, पूजा जपादि कर्म विषय कर्म सब छूट जाते हैं, सब छूट जाता है। अर्थात उसके पीछे जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, कोई भी कर्म जब हम करते हैं, एक शब्द आता है अंग्रेजी में, मुझे उसका हिंदी अनुवाद ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन। ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, एक गृहिणी को भी एक प्रकार से जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि सुस्वादु खाना बनाना मेरा कर्म है, तो यह कर्म मैंने बहुत अच्छे से किया, सो आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार के सब सदस्यों ने खाने की, भोजन की तारीफ करते हुए बहुत अच्छे से भोजन किया है, लगभग सभी खत्म हुआ था। तो एक गृहिणी भी एक तरह से उस वक्त एक काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन अनुभव करती है। वैसे कोई ऑफिस में काम करना है तो वह भी जॉब सेटिस्फेक्शन खोजता रहता है, उसको वही फीलिंग, माय बॉस शुड प्रेज माय वर्क, अप्रिशिएट माय वर्क। एक विद्यार्थी जब उसे रिजल्ट पता हो जाता है कि वो आई गॉट 90% मार्क्स, ही इज हैप्पी बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसको एक सेटिस्फेक्शन, आई डिड स्टडी एंड आई गेव एग्जाम, आई एम सक्सेसफुल। हाँ, इसको पता नहीं आप लोग जॉब सेटिस्फेक्शन बोलेंगे या नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी का कर्म तो यही है ना, पढ़ाई करके ज्ञान लेकर परीक्षा देकर अच्छे मार्क्स लेना, और उसके आधार से उसका भविष्य बनता है, अर्थात भौतिक जीवन, व्यावहारिक जीवन। और व्यावहारिक जीवन भी सक्सेसफुल एक अच्छे तरह से बनाना तो वह भी एक कर्म है, और वह ठीक ढंग से होता है तो एक सेटिस्फेक्शन तो होता है ना, होता ही है। तो यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव हमें समझा रहे हैं। और फिर ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं कि पहले पहल कामों की बड़ी रेलचेल होती है शुरू शुरू में, क्योंकि अहंकर्ता, अहम भोक्ता का भाव बड़ा प्रबल है, और जब कर्म है, एक्चुअली आप विशेष करके ऑफिस में जो कामकाज कर नौकरी कर रहे हैं वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, या एक बिजनेसमैन भी यह बात समझ सकता है, या एक गृहिणी भी समझ लेती है, समझ सकती है। कैसे? अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपका बॉस खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे ये मेरा एम्प्लॉय, मेरा ये जूनियर ही इज ए एफिशिएंट वर्कर, आई कैन गिव मोर वर्क टू हिम। होता है ना, आज तो ऐसा ही होता है, हमारे जमाने में तो
हम नौकरी करने जाते थे तो सुबह 9 बजे या 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे 8 घंटे के बाद वापस आ जाते थे। लेकिन आजकल का ज़माना तो बदल ही गया है, ऑफिस में जाने का समय तो पक्का रहता है लेकिन वापस कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ऑफिस में एक के बाद एक टास्क दिए जाते हैं लेकिन वह भी क्यों करते हैं हम? हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इफ आई गिव गुड परफॉर्मेंस माई जॉब विल बी सेफ। देखिए हर चीज में ये जो ठाकुर बोल रहे हैं, पहले पहल कामों की बड़ी रेलचेल होती है परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घट जाएगा। द मोर यू मेक ए प्रोग्रेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकल वर्क कम होते जाएगा और आपका इंटेलेक्चुअल काम बढ़ेगा। यू मे बी सिटिंग इन एन एसी रूम ऑन ए गुड चेयर, कंफर्टेबल चेयर विथ ऑल फैसिलिटी, फोन ये वो सब, एंड यू हैव टू गेट वर्क डन थ्रू 20 पीपल। समटाइम्स मेरा तो ये अनुभव है कि अगर कभी कभी हम सब खुद कर्म कर लेते हैं तो बहुत फटाफट कर लेते हैं, 10 कर्म भी हो गए तो एक के बाद एक सीक्वेंस बनाकर अपने अपने कन्वीनियंस से ख़त्म भी कर लेते हैं। कंपैरेटिवली मुझे लगता है वो इजी है, थोड़ा टैक्सिंग जरूर हो जाएगा लेकिन उससे कई गुना अधिक दूसरों से कर्म करवा लेना एंड ऑन टाइम विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत कामचोर भी होते हैं, आप हाँ हाँ बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं, तो ऐसे लोगों से बड़े टैक्टफुली कर्म करवा लेना, तो उसके लिए तो फिजिकल लेवर से इंटेलेक्चुअल लेवर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जैसे बोल रहे हैं परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे, सो दिस मे बी ट्रू इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्यावहारिक जगत की बात है तो वहाँ ये हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल काम बढ़ गया इत्यादि इत्यादि, बट एज फॉर एज स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन की बात अगर हम करें तो वहाँ किंतु ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अहंकर्ता अहम भोक्ता का भाव ही ढीला हो जाता है, तो मैं करता भी नहीं हूँ और मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का प्रेमी हूँ, मैं बड़ा धन्य हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे द्वारा मुझे इंटेलेक्चुअल शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, हर प्रकार की शक्ति मुझे भगवान के द्वारा प्राप्त हुई और उन्होंने ही मेरे से सब कर्म सब सेवा कार्य करवा लिए। वहाँ कर्म कर्म ही नहीं रहा, वह तो भगवान की पूजा सेवा हो गया है और वहाँ अहंकर्ता हम भोक्ता की भूमिका ही नहीं है, वहाँ तो ईश्वर के अस्तित्व का बोध दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। आई एम लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये भावना इतनी स्ट्रांग होने लगती है और वहाँ अहंकर्ता हम भोक्ता तो है ही नहीं, तो ऑफकोर्स कामों का आडंबर घटता है, अर्थात काम वही रहते कर्म वही है लेकिन अहम करता हम भोक्ता है ही नहीं। और यहाँ आगे ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। ये जो बात मैंने बताई कि नाम गुण कीर्तन भी हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा मन ईश्वर बोध में रंग जाए। देखिए जब भजन हमारे कभी कभी भजन का जो भाव होता है या शब्द होते हैं वह बड़े लुभावने, जैसे हमारे मन की बात वहाँ कही जा रही है। पता नहीं मुझे एक भजन अभी मुझे अनायास ही याद आ रहा है जो मैं जब यंग था 16-17-18 साल का था तो अक्सर आकाशवाणी पर वो भजन सुबह जरूर सुनाई देता था, सप्ताह के 7 दिन में 4-5 दिन तो वो भजन आ ही जाता था। शायद लक्ष्मी शंकर नाम की एक बहुत बड़ी गायिका थी या है मुझे पता नहीं,
उनके द्वारा गाया हुआ ये भक्ति गीत अब तो माधव मोहि उबार। तो यानी वो एक भक्त है जो भगवान को पुकार कर बोल रहा है अब तो माधव मोहि उबार, मुझे मेरा उद्धार करो प्रभु। या सूरदास का और एक भजन है अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को बहुत चोलना, ऐसा एक सूरदास का बड़ा सुंदर भजन है। काम क्रोध का पहर रुचोलना, मैं नाच रहा हूँ आप नचा रहे हैं, तो हे प्रभु बहुत हो गया अब इन सभी से मेरी रक्षा करो। तो बहुत बार हमारे जैसे आम इंसान जो षड्रिपुओं से ग्रस्त होते हैं, ये जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर, इन सभी अचानक से जैसे ये हमारे अंतःकरण पर प्रभावशाली हो जाते हैं और हम लोग बह जाते हैं, हमारा संयम ढीला हो जाता है और बाद में पछतावा भी होता है, और ये पश्चाताप ही धीरे धीरे हमें संयम सिखाने की मदद भी करता है। क्योंकि अगर इंसान पश्चाताप नहीं करेगा, वह ये काम क्रोध लोभ मोह ये मुझे डुबाने वाले हैं, यह समझ कर उससे अपने आप को दूर रहने के प्रयास ही नहीं करेगा, तो वो तो आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। अर्थात जस मैंने या आपने सोच लिया कि मैं काम क्रोध लोभ ये जो षड्रिपु हैं इनसे अपने आप को मुक्त कर लेता हूँ, तो क्या वाकई बस ऐसा मन में बोलने से या कहने से जुबान से बोलने से इंसान मुक्त हो जाता है? निस्वार्थ परायणता, यह भी एक शब्द आध्यात्मिक जगत में बड़ा पॉपुलर है। अनसेल्फिशनेस, स्वामी विवेकानंद की भी एक धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज रिलीजन। तो ये जो बात है कि कर्मयोग जो है उसका तो ये सिद्धांत ही है कि संकल्प त्याग और फलाकांक्षा का त्याग, इसका त्याग होना चाहिए। फलाकांक्षा रखकर मुझे यह फल प्राप्त करना है, यह उद्देश्य बनाए रखकर कर्मयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बहुत बार ये बात दोहराई है, शायद पता नहीं मैं कितनी बार दोहराऊंगा, कि अगर आप ज्ञान योग के अनुशीलन करने वाले हैं, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ ज्ञान योग, तो उस योग का पालन करने का मूल सिद्धांत क्या है? भेद बुद्धि। भेद बुद्धि पाप है। तो ज्ञान योग का अनुशीलन करने वाला अगर भेद बुद्धि बनाए रखता है तो वो गलत हो जाता है, वो प्रगति नहीं कर पाएगा उस रास्ते से। भगवान को भूल जाना, प्रभु विस्मरण, यह भक्ति योग का दोष है। भक्ति योग का पालन करना चाह रहे हो और भगवान को भूल जाओगे, ये तो बात अलग हो गई, विरोधी हो गई। कर्मयोग में अगर स्वार्थपरायणता बनी रहे हमारे मन में तो कर्मयोग नहीं हो सकता। तो श्री रामकृष्ण यही बात समझा रहे हैं कि यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है, अर्थात इन सभी से मुक्त होकर सदैव मैं भगवान मेरे साथ में है, मैं भगवान के साथ में हूँ, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, इस बोध में वह व्यक्ति एक तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, वो सब छूट जाता है। और इसलिए एक उदाहरण श्री रामकृष्ण जैसे दे रहे हैं, वहाँ जो भक्त बैठे हैं ब्राह्मण समाज के और अन्य, वहाँ शिवनाथ शास्त्री भी हैं, उनको उद्देश्य एक उदाहरण के रूप में ठाकुर इसको जैसे प्रस्तुत किया कर रहे हैं। शिवनाथ की तरफ देखकर बोलते हैं कि भाई तुम जब तक नहीं आए थे तो तुम्हारे बारे में ये सब लोग बातें कर रहे हैं कि बड़ी चर्चा चल रही थी तुम्हारे नाम गुणों की इत्यादि। तो देखिए
ये जो हम हमारी लाइफ में भी हम क्या देखते हैं, जब कभी हम 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी फंक्शन में या कहीं, तो जो अनुपस्थित हैं उसको लेकर बड़ी हमारी चर्चा चलती है, बड़ा रस लेकर हम चर्चा करते हैं। अरे अरे वो आज ये नारायण नहीं दिख रहा, अरे गया होगा नहीं बस। यानी यहाँ जो ठाकुर बोल रहे हैं कि तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा, यहाँ गुण यानी सदगुण भी और दुर्गुण भी, और खास करके तो दुर्गुणों की बहुत चर्चा होती है, बुराई निंदा बहुत होती है, हम लोग करते ही हैं, शायद आप नहीं करते लेकिन बहुत से लोग करते हैं। आई एम सॉरी, आपको अंडर एस्टिमेट करना गलत हो जाएगा, आपको गलत बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर यह बात होती है कि जो अनुपस्थित है उसको लेकर चर्चा होती है, तो दोनों प्रकार से होती है, सद्गुणों को लेकर भी होती है, दुर्गुणों को लेकर भी होती है। लेकिन आगे ठाकुर जो बोलते हैं, जो ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई, तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। अब अगर भक्ति वाकई सद्गुणों से भरपूर हैं और ऐसा सेवा भावी आनंदमय ऐसी व्यक्ति आ जाए जो सबको आनंद देती हैं, सबको कोऑपरेशन देती हैं, ऐसी व्यक्ति आ जाती हैं तो आनंद ही होता है। वी एंजॉय कंपनी ऑफ सम पीपल, एट द सेम टाइम वी फील अरे बाबा ये क्यों आया, वी फील ए काइंड ऑफ रिपल्शन। तो और आगे ठाकुर बोल लेते हैं, लोग कहने लगे यह लो शिवनाथ बाबू आ गए और फिर तुम्हारे बारे में सब बातें बंद हो जाती हैं। तो ये भगवान का दर्शन एक प्रकार से जब साधकों को हो जाता है, या निर्विकल्प समाधि बोलिए, वह जब वह प्राप्त कर लेता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, तो बाद में यह सब कुछ नहीं रहता, वह उस दिव्य बोध में ही रहता है। यही बात यहाँ ठाकुर समझाते भी हैं, आगे चलकर और दूसरे उदाहरण भी देते हैं कि पहले पहल बहुत कामों की रेलचेल रहती हैं, वह एक भोजन की बात उदाहरण के रूप में देते हैं कि भोजन के लिए पार्टी में सब लोग बैठे हैं और भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन एक समय आता है सब खाने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर आपस में बहुत चर्चा नहीं होती। तो इस तरह से जब एक कोई व्यक्ति समाधिमान हो जाती है, भगवत साक्षात्कार में प्रतिष्ठित हो जाती है, तो उसका अहंकर्ता अहम भोक्ता की भूमिका पूरी तरह से दूर हो जाती है, वह एक आनंददायी व्यक्तिमत्व लेकर उसका पूरा आचरण सद्गुणों के लक्षणों से और आचरणों से भरपूर वह देखकर, एक्चुअली जो मैंने पहले कहा कि एक सिद्ध पुरुष का वह वर्णन तो जरूर है, लेकिन हमारे लिए वह साधन रूप है, उसको हमारे जीवन में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज यह पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जाता है। ठाकुर और एक उदाहरण देकर भी यह बात समझाते हैं कि एक गृहिणी जब गर्भवती हो जाती हैं तो धीरे धीरे उसकी सासू माँ उसके काम कम कर देती हैं, फाइनली वह अपने नन्हे बालक को नवजात शिशु को लेकर ही व्यस्त रहती हैं। उस वक्त सासू माँ उसे डांटती हैं, यानी जेठानी बाकी लोग घर के कामकाज कर लेते हैं। तो उसी तरह से समाधिवान पुरुष या जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसके सभी कर्म अर्थात अहंकर्ता अहम भोक्ता की भूमिका पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो हमारे जीवन में हमको साधन स्वरूप अपने आप में सबके प्रति प्रेम की भावना, भगवान का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू बिकम मोर एंड मोर अनसेल्फिश जितना हो सके, क्योंकि प्रयास करते करते ही हम परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।